For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. दोस्तों जब आप आज रात देखेंगे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का एपिसोड तो उसे देखकर आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से नक्श ने आदित्य को पूरी सच्चाई बताने से रोक दिया। जैसे ही आदित्य कार्तिक के सामने कुछ और बोलने वाला था, नक्श ने उसमें इतनी जोर से घूसा मारा कि उसके हाथ से वो फोन और फोन में से वो चिप उछल के एक गुलदस्ते में जा गिरी। वहीं इसके साथ ही वो सबूत भी खो गया जिसमें नायरा के जिंदा होने का सच कार्तिक के सामने आ सकता था। नक्श ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल काफी बड़ा है। क्या सिर्फ गुस्से में नक्श ने आदित्य को मारा, या फिर नक्श को छुपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर नक्श ये मानना ही नहीं चाहता है कि नायरा वापस आ गई है। वेल दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि नायरा को ये जानकर बहुत दुख होगा कि कार्तिक तो एक पल को इस बात पर यकीन भी कर रहा था कि उसकी नायरा जिंदा है, पर उसके भाई ने तो इस बात पर यकीन भी नहीं किया और सीधे आदित्य में दो तीन मुक्के और बजा डाले। वेल अब इस घड़ी में जब नायरा को नक्श की और कार्तिक की दोनों की ही सबसे ज्यादा जरूरत है, तब क्या ये दोनों उसका सहारा बन पाएंगे? क्या कायरव को बचाने में ये दोनों नायरा की मदद कर पाएंगे? सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.